इधर रायसेन में बंसल न्यूज की खबर का असर हुआ, जहां दाहोद बांध की मरम्मत का काम सिंचाई विभाग ने शुरू कर दिया। गौहरगंज एसडीएम सिंचाई विभाग के एई और एसडीओ की मौजूदगी में मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। दरअसल दाहोद डैम से रिसाव की खबर को बंसल न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद खबर को प्रमुखता से लेते हुए कलेक्टर ने तुरंत जरूरी दिशा निर्देश दिए। दानमणी डैम में हो रहे पानी के रिसाव की खबर पर डैम की दोनों नहरों के पूरे गेट खोल दिए गए, ताकि डैम के पानी को 1 मीटर तक खाली कर दिया जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूं दाहोद डैम में। मंडीदीप का ये दाहोद डैम है। बंसल न्यूज ने सुबह से ये खबर दिखा रहा था कि दाहोद डैम में रिसाव की स्थिति बनी हुई है, और अब बंसल न्यूज की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। और यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो दाहोद डैम पर पहुंचे हैं, और दाहोद डैम का मरम्मत का कार्य जो है कि शुरू हो चुका है। कलेक्टर ने पूरी खबर के बाद संज्ञान लिया था, तो यहाँ पर सिंचाई विभाग के ई और एसडीओ के साथ पूरा अमला इस वक्त मौजूद है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार दिखाएं कि किस तरीके से ये जो पाल है जिसके अंदर से रिसाव हो रहा था डैम की, उसमें देखिए मरम्मत का कार्य जारी है। लगातार ये जो कार्य है, सिंचाई विभाग के अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, एसडीओ ई, ये सभी लोग, पूरा अमला मौजूद है। तो ये उस पाल को जो है कि भरने का काम कर रहे हैं, ताकि रिसाव किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि तो हमने अभी हाल ही में देखा था कि कारम डैम का जो मामला हुआ था वो तो उससे कहीं ना कहीं बहुत सवाल खड़े हो गए थे। तो इसको लेकर भी अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, कोई भी चूक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ग्रामीण मौजूद है। सर, ये कब से ये पानी निकल रहा है? ये सर अभी 2019-20 के अंदर तीन जगह से पानी रिसाव रहा था। तो जब हमने बंसल न्यूज वालों को बताया तो उन्होंने आके यहाँ पे कवरेज करा, तो उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट है वो सक्रिय हुई, न्यूज के अंदर चला, बंसल न्यूज के अंदर। तो उससे हम गांव वालों को भी और आसपास के एरिया वालों को भी बहुत फर्क पड़ा। तो प्रशासन जो है वो सक्रिय हुई, सक्रिय होने के बाद फिर गर्मियों में उन्होंने काम करा यहाँ पे। चलिए, अब काम तो कहीं ना कहीं हुआ है, और लगातार 2019 से ये ग्रामीण है यहाँ के जो बता रहे हैं कि जिस तरीके का पानी का रिसाव हो रहा था, और उसके बाद काम भी हुआ है। मेरे साथ रायसेन ई सिंचाई विभाग के ई मौजूद है, केशव ओझा जी। सर, क्या अब काम हो रहा है और कब से आप लोग ये काम कर रहे हैं? लगातार जिस तरीके रिसाव की बंसल न्यूज खबरें दिखा रहा था, उसके बाद से कितना काम हो चुका है और रिसाव का कारण क्या है? तत्समय जो है मैंने डैम से एक चैनल खुदवा के वो बंद करवाया, कुछ जो बचा हुआ था वो गर्मियों में ठीक करवा दिया था। ये नया एक पॉइंट है जिसमें बहुत कम रिसाव है, तो वो अभी 1-2 घंटे में ये ठीक करवा दिया जाएगा। सर, कितनी क्षमता है पानी की दाहोद डैम के अंदर? ये 26 मिलियन क्यूबिक मीटर है, 26 मिलियन क्यूबिक मीटर। कैमरामैन जितेंद्र के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, मंडीदीप।